आज बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल ढाबे वाले स्वाद के क्रिस्पी करारे चटपटे पराठे। तो दोस्तों इनका स्वाद इतना गजब का है ना कि आप एक बार इसे खा लेंगे ना तो दोबारा जरूर से इन्हें बनाएंगे। तो ढाबे वाले किस तरीके से बनाते हैं सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, जरूर ट्राई करिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की वीडियो आप देख सकें। तो ये लाजवाब स्वाद के पराठे कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले इसके लिए हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है 2 से 2.5 कप के करीब, और इसमें डालेंगे नमक, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डाला है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो 1/4 चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथ से मसल कर इस तरीके से डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा पराठे में। और अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है, इसको भी मसल कर डालेंगे। तो कसूरी मेथी जरूर से डालिएगा, सारे ढाबे वाले टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं पालक। तो पालक को देखिए मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है, इसे धो लिया था 3 से 4 बार अच्छे से, और यहाँ पर मैंने इसे एकदम बारीक कट कर लिया है। तो 1 कटोरी पालक लिया है, पालक को डालकर भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिला लेते हैं पहले, क्योंकि पालक में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। अब उसी हिसाब से पानी डालेंगे, तो पानी यहाँ पर नॉर्मल पानी लेना है और इसका सॉफ्ट सा डो लगा करके तैयार करना है पराठे के लिए। अच्छा, जितना अच्छा हमारा डो लगेगा ना पराठे के लिए उतने ही बढ़िया पराठे बनते हैं और पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया है 1/2 छोटे चम्मच के करीब, और आटे को थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। तेल डालने के बाद अच्छे से 1 मिनट के लिए मसल लेंगे आटे को। इसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से एकदम सॉफ्ट होना चाहिए आटा, और इसे आप ढककर रख दोगे ना 10 मिनट के लिए, उसके बाद ये और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। चलिए अब पराठे के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, एक भारी तले की, और इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाला है, 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, और 2 से 3 पिंच हींग डाल दी है। तो पराठे थोड़े से हैवी होते हैं तो हींग डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगी पराठे को, और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है यहाँ पर हमने, तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये पराठे थोड़े चटपटे बहुत बढ़िया लगते हैं। अब इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ लहसुन और अदरक, तो 1 टीस्पून डाल रहे हैं हम, आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा भून लेते हैं 1 मिनट के लिए, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, तो मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज को एकदम बारीक कट कर लिया है। आप इसे भी हल्का सा भून लेते हैं, और तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता है प्याज में। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, और आप देख सकते हैं प्याज को भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और अब इसमें डाल देते हैं यहाँ पर आलू, तो आलू को मैंने पहले से उबाल करके इसका छिलका निकाल दिया है, और इसको हल्का सा देखिए कुछ इस तरीके से हाथों से मैश कर देंगे। आप हाथ से मैश नहीं करना चाहते हैं तो कद्दूकस कर लीजिए, पर भाई ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो ढाबे वाले जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, तो हाथों से मैश कर लेंगे कुछ इस तरीके से। वजन से यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, आप अपने हिसाब से सभी चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पराठे कम बनाने हैं या फिर ज़्यादा बनाने हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाली है, और अब इसमें 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अब हरा धनिया डालेंगे 3 से 4 छोटे चम्मच, फ्रेश कटा हरा धनिया डाल दिया हमने। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसा आप खाते हैं कम ज़्यादा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से मिक्स करेंगे। अगर हम आलू के थोड़े मोटे चंक्स रह गए हैं तो उनको भी मैश कर लीजिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग बनकर तैयार है पराठे की। तो चलिए इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और अब हम आटे को देख लेते हैं। आटे को रखकर हमें 10 मिनट हो चुकी है, इतनी देर में हमने स्टफिंग तैयार कर ली थी। तो आटे को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, अब यहाँ पर हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे अच्छे से, ताकि जो डो है हाथों पे चिपके ना। तो यहाँ पर अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से लोई लेनी है, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी बड़ी लेनी है। क्यों लेनी है चलिए वो भी आगे बताती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से लोई बना लेंगे, अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ में 2 तरीके से पराठे बनाना शेयर करूंगी, आपको जैसा पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं। चलिए आटा लगाने के बाद इसे बेल लेते हैं, तो हल्के हाथों से बेलेंगे, आटा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से पूरी से थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे, और अब बीच में स्टफिंग रख देते हैं सेंटर में कुछ इस तरीके से। अब इसको उठाकर हाथ पे रख लेते हैं, और इस तरीके से देखिए घुमाते हुए इसको हमने अंदर की तरफ में ये देखिए बंद कर देना है, देख इस तरीके से।
तो जो एक्स्ट्रा आटा बच गया है ना, मैंने इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया था, इसको कुछ इस तरीके से घुमाते हुए निकाल देंगे। क्योंकि जब हम पराठा बनाते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ही आटे को लगा देते हैं, तो जब पराठा खाते हैं ना तो मज़ा नहीं आता है खाने में, वो आटा सा फिर मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, तो पराठा फटेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया पराठे बनकर तैयार होंगे। तो अब हम हल्के हाथ से पराठे को बेलना है हमें, बिल्कुल भी प्रेशर मत दीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए और पराठा भी अच्छे से बेल जाए। तो देखिए कुछ इस तरीके से पराठा बेल लेंगे और ये हमारा पराठा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फटा नहीं है, आप देख सकते हैं, और इसकी थिकनेस देखिए कुछ इस तरीके से मैंने रखी है। तो इस तरह से पराठे बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। चलिए एक तरीका और बता देती हूँ, जो हमने अभी लोई बनाई थी ना, तो उससे थोड़ी सी और बड़ी हमने लोई लेनी है। और इस तरीके से लोई बनाने के बाद ना हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से लोई को बना लेते हैं और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे भी बेल लेते हैं। तो इसे भी हम वैसे ही बेलेंगे जैसे हमने पहले बेली थी, इसी तरीके से दोनों लोई हमने बेल लेनी है। तो ये जो दोनों लोई हमने बनाई है ना, तो इनका साइज थोड़ा छोटा है, पर इनको हमने बेलना उतना ही है जितना हमने पहले बेला था, ये देख सकते हैं, और दोनों का साइज ना सेम होना चाहिए इस तरीके से। अब एक को हम हटा देते हैं और एक के ऊपर हमने स्टफिंग को फैला देना है। तो किस तरीके से फैलाना है चलिए वो देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से चारों तरफ फैला देंगे हम स्टफिंग को, और थोड़ी सी जगह रखेंगे साइड में, ये देखिए, ताकि इसे हम चिपका सके। बस इस तरीके से बहुत ही आसान है बनाना पराठा। तो जिन लोगों को पराठे बनाने नहीं आते हैं ना, वो भी इस तरीके से बना लेंगे, बहुत ही इजी तरीका है, ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे भी हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, और हल्के हाथों से बेलेंगे ना तो आपके पराठे कभी भी नहीं फटेंगे, और बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट पराठे आप बना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको भी बेल लिया है, और आप देख सकते हैं किधर से भी फटा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही बढ़िया पराठा बनकर तैयार हुआ है। चलिए इसी तरीके से हम और भी बना लेंगे, अभी चलते हैं किचन की तरफ। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, आप तवा भी ले सकते हैं। तो जैसे ही हल्का सा सिक जाएगा एक तरफ से, इसको हम पलट के दूसरी तरफ से भी हल्का सा सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं, आप चाहें तो बटर या फिर तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, पर घी हेल्दी होता है, तो यहाँ पर मैंने गाय के घी का यूज़ किया है। एक तरफ लगाने के बाद हम दूसरी तरफ भी लगा देंगे, और घी लगाने से क्या होता है ना कि पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बनते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं, वैसे चॉइस आपकी है, आप चाहे तो तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब एकदम लो फ्लेम पे आपको इस पराठे को सेकना है ताकि पराठा अच्छे से खस्ता और करारा बने, और ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो यहाँ पर पराठे को डायरेक्टली हमने प्लेट में नहीं रखना है, उसके ऊपर देखिए एक छोटा सा कोई भी कटोरी रख लीजिए, उसके ऊपर रखिए, इससे क्या होता है ना पराठा जो नीचे सीलन से गीला नहीं होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ना मैंने और भी पराठे सेक लिए हैं, तो मैंने देखिए दो पराठे अभी यहाँ पर सेक कर तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम और भी पराठे बना लेते हैं। तो आपने देखा कितना आसान है पराठे बनाना, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने सारे पराठे बना करके रेडी कर लिए हैं। तो ये हमारे पालक और आलू की स्टफिंग वाले बहुत ही सुपर टेस्टी पराठे बनकर तैयार हैं, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें हर नई रेसिपी की वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।